एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान में एक गुलाब का पौधा था जिसे अपने सुंदर रूप पर बहुत घमंड था। लेकिन उसकी केवल एक ही शिकायत थी कि वह एक बदसूरत से कैक्टस के बगल में बढ़ रहा था। मैं तो देखो कितना खूबसूरत हूँ, मेरा रंग एकदम सुर्ख लाल, इतना सुंदर रंग कभी किसी ने देखा है? और मुझसे तो खुशबू भी कितनी अच्छी आती है, एक बार अगर कोई सूंघ ले तो उसका मन खुश हो जाए। और एक तुम हो कैक्टस, कांटों से भरे, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है। और अपना आकार भी तो देखो, कहीं से मोटे तो कहीं से पतले। हर दिन सुंदर गुलाब कैक्टस का अपमान करता और उसका मजाक उड़ाता, लेकिन कैक्टस हमेशा चुप रहता और गुलाब को कभी भी कोई जवाब नहीं देता। एक बार चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान सूख गया और पौधों के लिए जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा। गुलाब जल्दी ही मुरझाने लगा और उसकी सुंदर पंखुड़ियां सूख गईं और उसने अपना सुर्ख लाल रंग भी खो दिया। लेकिन कैक्टस अभी भी हरा भरा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। अब गुलाब मायूस रहने लगा। गुलाब ने अब अपनी तारीफ करना भी बंद कर दिया था। एक दिन दोपहर में गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया पानी पीने के लिए अपनी चोंच कैक्टस में डुबा रही है। यह देखकर गुलाब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने झिझकते हुए कैक्टस से कहा, कैक्टस क्या मुझे भी थोड़ा पानी मिल सकता है? कैक्टस बहुत दयालु था। कैक्टस ने गुलाब से कहा, बिल्कुल तुम भी मुझसे पानी ले सकते हो। और जल्दी ही बारिश का मौसम भी आ गया। बारिश का मौसम आते ही गुलाब फिर से खिल उठा, लेकिन इसके बाद उसने अब कभी घमंड नहीं किया और वह कैक्टस का हमेशा शुक्रगुजार रहा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए, हमेशा गुण देखने चाहिए ना कि रूप। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही और मॉरल स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।